हैप्पी मकर संक्रांति। ये मां कर दो, हाय कर दो, हाय हाय चुन्ना मुन्ना हाय भैया। हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए आप सभी लोग, और पूरे देश के इस पवित्र पर्व का जो हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसका आनंद लीजिए। हमारी सभ्यता संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए, और सभी को मकर संक्रांति की जय शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अली भैया तुम छक छू के खिचड़ी चावल भैया 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 अपनी पूछो दिखा दो। वाह, पूछो दिखा, पूछो दिखा। हाय गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और जो हमारे यहाँ चावल दाल दक्षिणा और जो भी उसमें पट्टी गुड़ का तिल का लड्डू ये सब रहता है, ये सब हमने छू लिया है और वो सब दान हो जाएगा। उसके बाद खिचड़ी बनाएंगे, मम्मी चूड़ा मटर बनाएंगी, और आज के नाश्ते में दही चूड़ा गुड़ और चूड़ा मटर खाएंगे हम लोग, और फिर उसके और लंच में खाएंगे खिचड़ी चोखा अचार पापड़ चटनी खूब सारी बना और उड़ाएंगे खूब सारी काटे। वाह काटे ये बनारस का स्टेपल है, इसके बिना खिचड़ी नहीं मनाई जाती है। तो चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं आगे। बाय। हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी। बाय 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 बाय। बजा दो, नहीं बोलेगा आपको, बोलेगा मकर संक्रांति। चूड़ा मटर बनाने के लिए मटर छौंक दिए, बहुत ही सिंपल प्रेपरेशन है। साइड बाय साइड मैंने आलू रख दिया है बॉईल करने के लिए, चोखा बनेगा, और ये चूड़ा मटर रेडी हो चुका है, मम्मी ने बनाया बहुत ही टेस्टी। अरहर और खड़ी उड़द की दाल भिगो के रखी है मैंने, आलू हरी मटर ये कुछ अदरक हरी मिर्च और कोहड़ौरी निकाल के रखा है। ये सब्जियों में गोभी मटर गाजर आलू सब कुछ काट के रखा है, हरी धनिया भी जाएगा। तो चलिए अब हम तेल में सबसे पहले कोहड़ौरी को फ्राई कर लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खिचड़ी में। फिर डाला हमने तेज पत्ता, उसके बाद अदरक डाल दी है, हरी मिर्च, और हम अपनी सारी सब्जियां अब धीरे धीरे इसमें डाल के उसको फ्राई करेंगे। हम इसमें मटर सबसे लास्ट में डालेंगे और उसके बाद टमाटर, हल्का सा चला के इसको ढक के पकाएंगे। और अब हमने इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है, और मैंने साइड बाय साइड दाल चढ़ा दी है, दाल हमारे अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें अपना भिगोया हुआ चावल डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे, और हमने जो अभी सब्जियां फ्राई करके रखी थी उसको ऐड करेंगे। हम इसे कुकर में नहीं बनाएंगे, खिचड़ी को हम भगोने में बना रहे हैं, इससे सब्जियों का क्रंचीनेस भी रहता है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस खिचड़ी बनके तैयार होगी। ये देखिए सब्जियां धीरे धीरे पक रही हैं, मैंने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया है, और अब इसको ढक के 10 मिनट और पकाएंगे। देखिए कितना यमी लग रही है ये खिचड़ी, थोड़ा और सूखेगा। लास्ट में मैंने इसमें कुछ तले हुए पनीर डाले हैं, वैसे तो खिचड़ी में पनीर नहीं जाता है, लेकिन अजितेश को पसंद है इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है। अब ये मैंने आलू बॉईल करके जो रखे थे उसको मैं गैस पर हल्का भून लूँगी, इससे बहुत ही सौंधी सौंधी सी टेस्ट आ जाता है। और यही देखिए मैं बैंगन टमाटर और हरी मिर्च भी भून रही हूँ, सारे कुछ भुन के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें हरा धनिया अदरक
हरी मिर्च, सरसों का तेल और नमक डाल के सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके चोखा रेडी कर लेना। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें आलू कम और बैंगन की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तभी ये चोखा बहुत ही टेस्टी बनेगा। कैसा बना? कैसा बना आपको? अच्छा अच्छा। हेलो एवरीवन, तो अब मेरा खाना बन चुका है, खिचड़ी, चोखा, पापड़, चटनी, सब कुछ। और अभी खाने में थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर बाद खाएंगे हम। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बॉडी पेन भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है। तो वैसे तो सुबह उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसा कि मेरी सासू माँ बोलती हैं कि त्यौहार है तो थोड़ा सा हिम्मत करके उठ जाना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए। और कोई भी फेस्टिवल बहुत ही भाग्य से आता है, बहुत ही भाग्य से हम लोग को नसीब होता है कि हम उसको सेलिब्रेट कर पाएँ। तो हमें कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। तो अब थोड़ी देर में खाना खाऊंगी, हम सब मिलके खाना खाएंगे आज एक साथ, और उसके बाद अपनी दवा खाएंगे और फिर उसके बाद रेस्ट करूंगी, क्योंकि दो दिन की छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। होपफुली जल्दी से ठीक होके बैक टू वर्क। चलिए अब लंच पे मिलते हैं, बाय। ये मम्मी की थाली रेडी है, देसी घी में जीरे का चौक लगाया है और ऊपर से डाल दिया, बहुत ही टेस्टी और यमी। और उसके बाद अजितेश की थाली, इसमें मैंने देसी घी में लहसुन को फ्राई करके डाला है, आप भी एक बार ट्राई करना, बहुत यमी लगता है। उसके बाद हम छत पे चले गए और अब उड़ाएंगे पतंग। ये गुड्डीबाज विभू, ये गुड्डीबाज शुभम, यहाँ दद्दा जो है ओजस से परेशान अपना पतंग लूट रहे हैं और यहाँ सत्यम लेट चुके हैं। धन्यवाद। लड़ाई नहीं को क्या उड़ा रहे हो? मंजे उड़ा रहे हैं। कहाँ है शिम्बू दादा, कहाँ है? और अब आई हमारी प्यारी प्यारी सुमन भाभी, क्या मस्त पतंग उठाई है इन्होंने। डिलिया ऊपर और ऊपर आते जाइए। वाह बहुत सही, क्या बात है। मकर संक्रांति पे इसी तरह पतंगबाजी चल रही है और सब लोग खड़े होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत ही फन टाइम बीता हमारा ऊपर टेरेस पे। और ये देखिए बच्चे भी अपनी मस्ती में। अरे ये मेरा लल्ला अर्क भी पतंगबाजी में बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए पतंग उड़ा रहे हैं। How cute। ऊपर ही से है ना? चढ़ गए। क्या लिए हो? इधर देखो, देख के बताओ क्या? पक्कन तेज बोलो भैया, तेज पक्कन। वाह भैया पतंग लिया है। सही टाइम पे है। शाम हो चुकी है, अब अंधेरा होने वाला है। अब हम नीचे जाएंगे और डिनर की तैयारी में करेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगी हरे मटर की पूड़ियाँ दो तरीके की चटनी के साथ। और मेरा छोटा भाई प्रांजल भी आया है मेरी खिचड़ी लेकर, तो हम सब साथ में डिनर करेंगे। तो ये देखिए मैंने फिलिंग रेडी कर ली है हरे मटर की, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब चटनी बनाई है मैंने, हरी धनिया, टमाटर,
और ये है मीठी चटनी टमाटर की जो मम्मी ने बनाई है। और ये देखिए ठंडा हो चुका है मिक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रहेगी। जो आटा लगाया है वो बहुत ही सॉफ्ट डो बनेगा। तो अब अजितेश की कमेंट्री का मजा लीजिए। ये कटोरी की तरह बना लेना है आपको और इसमें ये दान की तरह टूट देना है। उसके बाद इसको गठरी की तरह रोल कर लेना है, पैक कर देना है चारों तरफ से दबा दबा के कि ये अपनी आवाज़ एकदम ना उठा सके जब तक। उसके बाद इसको चपटा कर देना है पिलो की तरह, फिर इसको गोल 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 करके लंबा डिस्क टाइप का बनाना है। इसके बाद इसको हम बेलन से दबा दबा के हल्का दगड़ेंगे कि इसको अपने आटा पैदा होने पे अफसोस हो जाएगा। फिर इसको भी हम देखते रहेंगे साथ में बेचारा छूट न जाए। देखिए इस पे ऐसे हम तेल लगाएंगे ताकि ये रूखी त्वचा एकदम मुलायम सी हो जाए और सर्दियों में भी खिल उठे। उसके बाद इसको पलटी मारेंगे और देखिए कितना अच्छा लगाया है, इससे पता चलता है कि लोहा करके ही सोना रहता है। और दबाएंगे इसको सर उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे, विद्रोह नहीं कर सकता ये, चाहे जो हो जाए। लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। इसको अच्छे कर पाएंगे कि इसको पिछवाड़े पे ऐसे चपकते पड़ जाएंगे। देखिए देख लीजिए कैसा धुआं निकला, देखा तुमने इसको उठा और ये दिया धोबी पछा। रिंकल कैसा बना है? मम्मी कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। तो ये रहा मेरा मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। बाय।